ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जोगिंद्रनगर में चल रही अंडर 12 राज्य प्राइमरी खेलकूद प्रतियोगिता में 10 जिलों से आए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में स्कूली स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता में पहली बार चेस को भी शामिल किया गया है। प्रतियोगिता में 4 राउंड में प्रथम 4 स्थानों पर आने वाले छात्रों को ट्रॉफी दी जाएगी, तो वहीं अव्वल रैंकिंग हासिल करने वाले छात्रों को मेडल भी दिए जाएंगे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जोगिंद्रनगर में चल रही अंडर 12 राज्य प्राइमरी खेलकूद प्रतियोगिता में 10 जिलों से आए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में स्कूली स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता में पहली बार चेस को भी शामिल किया गया है। प्रतियोगिता में 4 राउंड में प्रथम 4 स्थानों पर आने वाले छात्रों को ट्रॉफी दी जाएगी, तो वहीं अव्वल रैंकिंग हासिल करने वाले छात्रों को मेडल दिए जाएंगे। चेस खेल के बारे में जानकारी देते हुए प्रेम चौहान ने बताया कि पहली बार चेस के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल किया गया है और इसमें 100 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि चेस खेल जहां छात्रों की मानसिक विकास के लिए जरूरी है, वहीं इस खेल में बच्चों की दिलचस्पी भी अधिक होती है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एक छात्र व छात्रा को मेडल देकर पुरस्कृत किया जाएगा। सर, ये जो है पहली बार प्राथमिक कक्षाओं में शतरंज की जो ये स्पर्धा है, ये खेल ये जो पहली बार जो है लागू की गई है, ये बहुत ही गर्व का विषय है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, क्योंकि ये खेल जो है बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही उत्तम खेल है। इस बार इस जो राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता है, इसमें चेस को शामिल किया गया है और आज यहाँ पर 10 जिला के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें हिमाचल के किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला किन्हीं कारणों से भाग नहीं ले पाए। और इसमें जो है 10 जिला के 100 प्रतिभागी, जिसमें 50 लड़कियाँ और 50 लड़के भाग। आज ये 4th राउंड है और अंतिम चरण है। आज बच्चों को जो है इनके जो रिजल्ट है वो फाइनल किए जाएंगे, जिसमें जो टॉप पर 3 टीमें आएंगी उनको ट्रॉफियों से नवाजा जाएगा। और उसके बावजूद जिन बच्चों की रैंकिंग 1st 5 में आएगी, लड़के और लड़की अलग अलग वर्ग में, उनको मेडल दिए जाएंगे और साथ में फेयर प्राइज भी एक अच्छे खिलाड़ी को बालक वर्ग में और एक अच्छी खिलाड़ी को बालिका वर्ग से भी दिया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये खेल बच्चों में बहुत सारी बुरी आदतों को गनविनर और चीफ आर्बिटर।